टी की बात हो गई थी, आज हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। सर एक क्वेश्चन था सर, जो एवरेज वेलोसिटी थी ना सर, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर, आपने से एक क्वेश्चन कराया था ना सर, ये स्क्वायर वाला, इसमें से हर एक ए से बी में जा रहा 25 मीटर या सेंटीमीटर था। तो सर हमने जो उसमें टोटल लिया था सर, हम 25 ही लिया सर हमने। डिस्प्लेसमेंट बेटा, देखो आप एवरेज वेलोसिटी की बात करोगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, और एवरेज स्पीड की बात करोगे तो डिस्टेंस आएगा, ठीक है ना। जैसे ये कुछ क्वेश्चन इस तरह से था, ऐसा है ना, ऐसा क्वेश्चन था ए बी सी डी। तो आपने मोशन कहां से स्टार्ट किया बेटा, ए से स्टार्ट किया, ये हो गया इनिशियल पोजिशन, और आपका मोशन खत्म कहां हुआ बेटा, डी पर हुआ, ये हो गया फाइनल पोजिशन। अब जवाब से बोला जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट, जवाब से बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ बेटा कि इनिशियल से फाइनल के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। तो ये जब आप इसको डायरेक्टली इस तरह से ज्वाइन करोगे तो दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। और आपसे एवरेज वेलोसिटी बोला गया था ना, तो एवरेज वेलोसिटी क्योंकि ये सारे 25 मीटर दिए हुए थे, 25 बेटा, तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा ए डी वो किसके इक्वल होगा, 25 के इक्वल होगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना हुआ बेटा, 25 का। तो एवरेज वेलोसिटी पूछा गया था हमसे, तो वेलोसिटी में हम डिस्टेंस नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट यूज करते थे, तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 25 मीटर का है। अगर हमसे एवरेज स्पीड पूछता, जस्ट सपोज अगर हमसे एवरेज स्पीड पूछता, तब मैं लिखता 25 + 25 + 25, टोटल 75 लिखता। यस सर, ठीक है। तो वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट लेना है और स्पीड के लिए आपको डिस्टेंस लेना है, ठीक। चलिए, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वगैरह की। तो इसमें हमने आपको पढ़ाया था बेटा मैथमेटिक्स में हमने आपको कैलकुलेशन करना सिखाया था, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है। जो हमारे पुराने क्लास वाले होंगे उनको हमने पूरा मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा रखा है। बाकी लोग आप वीडियो देख सकते हो, वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, उसे रिकॉर्डिंग लेक्चर है उसका, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे बेटा, तो इंस्टेंटेनियस में क्या आता है, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी और स्पीड फाइंड आउट करना, दैट इज इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, ठीक है ना, पूरा मोशन हो रहा है। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसने मूव करना शुरू किया, ए से गया बी पर, और ये पूरा गया बेटा 10 सेकंड में, 10 सेकंड तक ये मूव करता रहा। 10 सेकंड के अंदर इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या थी, तो आप शुरू से लेकर फाइनल, मतलब इनिशियल से फाइनल तक का पूरा पोर्शन कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर इसी में आपसे पूछा जाए कि 7th सेकंड की बात हो जाए, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात हो जाए कि 7th सेकंड पर आपकी वेलोसिटी क्या है, तो इन दैट केस दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस। एवरेज मतलब होता है एक इंटरवल ऑफ टाइम, और इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात किसकी होने वाली बेटा, इंस्टेंटेनियस की बात होने वाली। तो इंस्टेंटेनियस में क्या करना होता है, आपको पता लगाना होता है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर क्या होगा वेलोसिटी। तो हमने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जो एवरेज वेलोसिटी होता है, एज एवरेज वेलोसिटी, अगर हम यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी की बात करें, तो हमने लिखा था डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, ठीक है बेटा, मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब अगर आपसे बोला जाए कि फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस पता लगाओ कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी, तो अब इंस्टेंटेनियस के लिए आप क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस के केस में ये जो डेल्टा टी है बेटा, ये जो डेल्टा टी है, इट स्टार्ट्स टेंडिंग टू जीरो, मतलब दो इंटरवल ऑफ टाइम जो आपका था T2 - T1 जो था बेटा, ये नियरली इक्वल टू जीरो हो जाए। अगर ये नियरली इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है, देन यू विल से दैट कि ये हमारा किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी आने वाला है, ठीक है। तो अगर डेल्टा की टेंडिंग टू जीरो कर दिया बेटा, तो हम इसको लिख देंगे वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस। अब मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसको कैसे लिखते हैं, इसमें लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, मतलब ये जो हमारा डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी था, इसमें कंडीशन लगा दिया हमने कि डेल्टा टी जो है वो जीरो को टेंड कर रहा है, मतलब ये जो टाइम डिफरेंस है ना बेटा, ये जीरो तो नहीं है लेकिन जीरो को टेंड कर रहा है, नियरली जीरो, तो ये हो जाता है इंस्टेंटेनियस। और मैथमेटिक्स में इस पूरी बड़ी सी इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है
ds अपॉन dt, ठीक है ना। मतलब अगर आप डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपके पास है और आपने उसको कर दिया डिफरेंशिएट टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, देन यू आर गोइंग टू गेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और अगर ये डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस होता तो आपको मिलता इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब समझ में आ रहा है, इंस्टेंटेनियस मतलब पूरे मोशन के किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी क्या है, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर स्पीड क्या है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो टाइम डिफरेंस है डिनोमिनेटर का, इस टाइम डिफरेंस को जीरो को टेंड करा देना है। जीरो को टेंड करने का मतलब होता है बेटा नॉट इक्वल टू जीरो बट वेरी क्लोज टू जीरो, ठीक है ना। तो इन दैट केस आपको मिलेगा क्या, इंस्टेंटेनियस। तो जब भी आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात होगी, वी इंस्टेंटेनियस, देन यू विल राइट डाउन डीएस ओवर डीटी एंड दिस इक्वेशन विल वैलिड फॉर ऑल केसेस, चाहे मोशन यूनिफॉर्म हो, चाहे मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो, चाहे एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट हो या वेरिएबल हो, हर जगह आप ये लगाओगे ये हमेशा करेक्ट आएगा, v instantaneous equals to ds upon dt। ये होता है बेटा instantaneous velocity, ठीक है। बात समझ में आ रही कुछ? Yes sir। ये बेटा समझ आया। अब हमने आप वेक्टर्स भी पढ़ाया था, वेक्टर आपको आपने पढ़ लिया होगा, हमने भी पढ़ाया था, योगी सर ने भी पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो वेक्टर्स में आपको कंपोनेंट्स के बारे में बताया गया था, आई जे के कंपोनेंट्स के बारे में, है ना, कि जो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होता है उसके कंपोनेंट्स होते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग, उसके कंपोनेंट्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है ना। तो जो एक्स कंपोनेंट्स होता है उसके साथ आई के मल्टीप्लाई करते हैं, जो वाई कंपोनेंट होता है उसके साथ जे के मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऊपर हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि कैसे हम निकालते हैं किसी पार्टिकल की स्पीड विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब आपको समझ में आ गया है, कुछ एग्जांपल लेता हूँ बेटा, क्योंकि मैंने काफी सारे क्वेश्चन उसी टाइम करवा दिए थे जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे, उसी टाइम पर मैंने वेलोसिटी से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताई थी आपको, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं, जैसे मान लो बेटा एक एग्जाम्पल मैं यहां पर लू, इफ पोजीशन वेक्टर, अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है आपको, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल, बेटा डिफरेंशिएशन सबको पता है ना, सारे फॉर्मूले आपको पता है ना बेटा, ए कॉस ओमेगा टी आई के प्लस, ये पोजीशन वेक्टर आपको दिया गया है, ए कॉस ओमेगा टी आई के प्लस ए साइन ओमेगा टी जे है, ये आपको गिवन है बेटा। इसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर आपको दिया गया है ए कॉस ओमेगा टी आई के ए साइन ओमेगा टी जे है, और आपसे यहां पर पूछा गया है फाइंड आउट पहला इनिशियल वेलोसिटी। क्या पूछा गया बेटा, पहले इनिशियल वेलोसिटी बताओ क्या होगा, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। दूसरा आपसे ये पूछा गया है एंगल बिटवीन वेलोसिटी की वेक्टर क्वांटिटी है और पोजीशन की वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, तो पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर, एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा अगर आपने डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ा है और वेक्टर अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर, ठीक है, उनके बीच में एंगल क्या आएगा, वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। और आपसे पूछा गया है बेटा एक थर्ड पार्ट, और स्पीड एट एनी टाइम किसी भी टाइम पर स्पीड कितनी हो। ये तीन पार्ट है बेटा इस क्वेश्चन के, एक पार्टिकल स्टार्ट कर रहा मोशन अपना विद अ पोजीशन वेक्टर दिस वन, ठीक है। अब बिकॉज़ ये पोजीशन वेक्टर टाइम पर डिपेंड कर रहा है बेटा, मतलब वेरिएबल है, आपको बताना है इनिशियल वेलोसिटी, एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर एंड द स्पीड एट एनी टाइम, किसी टाइम पर स्पीड क्या है। सो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब देखो बेटा, आपने क्योंकि पढ़ा अभी कुछ देर पहले, मैंने आपको बताया कि जो वेलोसिटी वेक्टर होता है वो होता है ds वेक्टर अपॉन dt वेक्टर, dt, ठीक है ना। मतलब आप इसको लिख सकते हो dr वेक्टर अपॉन dt, मतलब जो पोजीशन वेक्टर है अगर ये पोजीशन बदलने लगता है
अगर पोजीशन बदलता है बेटा, ठीक है ना, तो पोजीशन बदलने पर आपको क्या मिलता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मिलता है ना, और उसी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के वेरिएशन का जो रेट होता है वही स्पीड वेलोसिटी होता है। तो हमें यहाँ पर पोजीशन दिया था जो टाइम पर डिपेंड था, हमने इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो क्या मिल गया बेटा, वेलोसिटी मिल गया। ठीक है, वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पार्टिकल। ठीक है बेटा, तो इस कंसेप्ट का यूज करके सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे वेलोसिटी। हो गया, आपने क्वेश्चन नोट कर लिया है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ और आप ध्यान से देखिएगा कि मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि फाइंड आउट द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी बेटा। ठीक है, तो अब देखो आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा वेलोसिटी वेक्टर होता है डी आर वेक्टर अपॉन डी टी या फिर डी एस वेक्टर अपॉन डी टी। तो चलो बेटा हम यहाँ पर लिख देते हैं डी बाई डी टी ऑफ ए कॉस ओमेगा टी आई के प्लस ए साइन ओमेगा टी जे के। आई के बताता है कि एक्स के अलावा कितना पार्ट है, जे के बताता है वाई के अलावा कितना पार्ट है। अब इसको करना है डिफरेंशिएट। सर ब्लर आ रहा है क्या बेटा, वीडियो ब्लर है क्या? नो सर, क्लियर आ रही है। क्लियर, वीडियो लैग हो रही है बीच में और ब्लर है थोड़ा सा। बेटा आप लोग अपना ना डेटा कनेक्शन चेक करो, क्योंकि मैं भी दो डिवाइस से कनेक्टेड हूं, अगर ब्लर होगा तो मुझे भी सामने दिखेगा ब्लर हो रहा है। अभी मेरे पास एकदम क्लियर आ रहा है, थोड़ा सा अपना डेटा कनेक्शन एक बार चेक करना, रिफ्रेश कर लेना उसको। ठीक है, थोड़ी देर में सही हो जाएगा। तो ये है बेटा, अब आप में से हर किसी ने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, डिफरेंशिएशन पता है आप कैसे करते हैं, है ना बेटा। देखो एक टर्म ये हुआ और एक टर्म ये हुआ, तो पहला कंसेप्ट क्या था डिफरेंशिएशन का, सारे टर्म्स को अलग अलग डिफरेंशिएट करना। तो d by dt of a sin omega t, d by dt of a sin omega t i k plus d by dt of a, सॉरी ये साइन लिखा ही कॉस था बेटा, आई के साथ कॉस ओमेगा टी और ए साइन ओमेगा टी जे है। तो हमने क्या किया, पहला कंसेप्ट जो अपना लगाया वो क्या है बेटा, कि हमने ए कॉस ओमेगा टी को अलग से डिफरेंशिएट किया, ए साइन ओमेगा टी को अलग से डिफरेंशिएट किया, क्योंकि इस इक्वेशन पे दो टर्म्स थे तो दोनों टर्म्स को सेपरेटली डिफरेंशिएट करना होता। अभी डिफरेंशिएट किया नहीं, अभी मैंने सिर्फ लिखा उसको, अब करेंगे डिफरेंशिएट। तो a क्या है बेटा, a है कांस्टेंट, जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर लिख लेते हैं, तो d by dt of cos omega t बच गया बेटा, cos omega t i के पैसे लगा रहेगा। यहां पर a को बाहर ले लिया, d by dt of sin omega t बेटा, ठीक है, और j के ऐसे लिखा इसको, ठीक है। जो जो कांस्टेंट होता है बेटा, जब भी आप कभी डिफरेंशिएशन करते हो जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर ले लेते। अब cos का डिफरेंशिएशन क्या था बेटा, cos का डिफरेंशिएशन किसी को याद है, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा? माइनस साइन। बिल्कुल, तो अब आप यहां पर लिखोगे माइनस का a sin ओमेगा t। अब यहां पर देखो t के साथ भी एक कांस्टेंट लगा बेटा ओमेगा, तो जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये माइनस का a ओमेगा sin ओमेगा t i k हो गया इसका डिफरेंशिएशन। सिमिलरली जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, कॉस होता है, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। बताओ बेटा ये डिफरेंशिएशन आपको समझ में आया क्या, बोलो बेटा कहीं कोई दिक्कत है, पूछो जल्दी से। सो लास्ट स्टेप समझा दो, लास्ट स्टेप मतलब ये कैसे आया, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी कैसे आया? Yes, sir. Differentiation पढ़ा आपने? सुनब, आपने differentiation पढ़ा? नहीं सर, स्कूल में पढ़ा था थोड़े से टाइम के लिए। आप, मैं अभी लिंक शेयर करूंगा आज की रिकॉर्डिंग की, तो मेरे ही चैनल पर पढ़ा हुआ differentiation का वीडियो, differentiation integration, तो उसको देख लेना एक बार। वैसे देखो क्या होता है, जैसे मान लो अगर हमने आपसे बोला d by dx of sin 2x, इसका डिफरेंशिएशन आप क्या लिखते हो बेटा, आप लिखते हो साइन का डिफरेंशिएशन हुआ क्या cos, cos 2x, और x का जो कोफिशिएंट है उससे कर दिया मल्टीप्लाई, तो sin 2x क्या हो गया 2 cos 2x। ऐसे अगर मैं बोलूं आपसे cos x by 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, d by dx of cos x by 10, तो आप cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का sin x by 10 लिखोगे और फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे जो x का
पर ईयर वो आपको थोड़ा बाहर जा रहा है एक सेकंड ठीक है तो आप यहां पर इनपुट कर दोगे कितना बेटा 1/10 से क्यों क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है 1/10 तो जब कभी भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं ना तो जो x का कोफिशिएंट होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं जो कांस्टेंट होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं यहां पर भी वही कहानी cos ओमेगा t cos का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस sin ओमेगा t अब t का कोफिशिएंट क्या था ओमेगा तो ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया और ये वाला कांस्टेंट तो पहले से ही प्रेजेंट था तो ये हो गया माइनस का 1 ओमेगा sin ओमेगा t और यहां पर देखो sin ओमेगा t sin का डिफरेंशिएशन हो गया cos ओमेगा t और t का कोफिशिएंट है ओमेगा ओमेगा को बाहर ले लिया 1 ओमेगा cos ओमेगा t आया समझ यस सर ठीक है तो ये हमें मिल गया वेलोसिटी की इक्वेशन ये हमारे पास था पोजीशन वेक्टर का इक्वेशन और ये हमारे पास है वेलोसिटी की इक्वेशन बेटा ठीक है ना अब आपसे पूछा गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताइए तो इंस्टेंटेनियस नहीं इनिशियल पूछा गया तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या जैसे ही मोशन स्टार्ट हुआ उस टाइम वेलोसिटी क्या थी तो इनिशियल वेलोसिटी की अगर आपसे बात किया जाए इसका मतलब हुआ एट टी इज इक्वल टू जीरो जैसे ही मोशन स्टार्ट हुआ है जैसे ही मोशन स्टार्ट हुआ है बेटा एट दैट इंस्टेंट व्हाट इज द वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी मतलब एट टी इक्वल टू जीरो पुट द टी इक्वल टू जीरो इन द वेलोसिटी इक्वेशन देन यू आर गोइंग टू गेट आपको क्या मिलेगा बेटा आपको मिलेगा वेलोसिटी इक्वल टू माइनस का ए ओमेगा साइन जीरो आई के प्लस का ए ओमेगा कॉस जीरो जे कैप अब बेटा साइन जीरो क्या होता है जीरो होता है कॉस जीरो क्या होता है वन होता है तो ए ओमेगा जे है इसका मतलब है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है पार्टिकल की वो कितना है बेटा ए ओमेगा जे है मतलब जैसे ही पार्टिकल का मोशन स्टार्ट हुआ जैसे ही पार्टिकल का मोशन स्टार्ट हुआ पार्टिकल की वेलोसिटी है ए ओमेगा किस डायरेक्शन में वाई एक्सिस के अलावा क्योंकि केवल जे कैप आ रहा है बेटा तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया ए ओमेगा जे कैप बोलो समझ आया किसी को कोई दिक्कत बेटा इस क्वेश्चन में जल्दी से पूछो नहीं आ गया समझ यस तो ये तो हो गया इनिशियल वेलोसिटी जो आपसे पूछा गया था फिर अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया बेटा अगले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड द पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल सुनाओ वेलोसिटी कैसे निकाला ये आपने देख लिया अब सेकंड पार्ट पर आते बेटा अगर आपको नोट करना हो तो आप बोल देना बीच में मैं रुक जाऊंगा अगर कोई चीज नहीं नोट करेंगे तो अब देखो बेटा अब हम यहाँ पर क्या करते हैं पोजीशन वेक्टर हमें पता ही है और बाकी चीजें हम यहाँ से हटाते हैं वेलोसिटी वेक्टर हमने निकाल लिया ठीक है अब यहाँ पर बात ये आती है कि हाउ टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे जब उसको कंपोनेंट्स के फॉर्म में आपको गिवन होगा मतलब जब ये हमें एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट गिवन है एक्स कंपोनेंट हमें यहाँ पर गिवन है बेटा ठीक है और यहाँ पर भी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट गिवन है तो हाउ टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स आपने पढ़ा है वेक्टर आपने पढ़ा है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा पढ़ा है बेटा ए डॉट तो अगर आपसे दो वेक्टर के बीच का एंगल पूछा जाएगा तो यू कैन इजीली फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला ए डॉट बी अपॉन A into B इस फॉर्मूले का यूज करके हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा और इसी के साथ साथ आपने एक और चीज पढ़ी थी कि I dot I जो होता है बेटा I dot I ये होता है 1 J dot J ये होता है 1 K dot K ये होता है 1 बाकी किसी का किसी के साथ ले लो अगर I dot J ले लोगे तो क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा ठीक है ना ये भी आपने पढ़ा होगा बोलो बेटा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप फटाफट आप बता सकते हो कहां क्या तकलीफ है हाँ बेटा क्लियर है ना सर वुड वेक्टर बी न्यू बैच यार न्यू बैच में सर पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाएंगे बिल्कुल क्यों नहीं पढ़ाएंगे
I don't have any idea about vectors. I joined late. Okay. तो वेक्टर्स में मैंने भी केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही पढ़ाया था बेटा. उसके बाद तो क्लास ही पता नहीं, संडे संडे क्लास होती तो शायद कल आपकी 2 घंटे की क्लास होगी जिसमें मैं आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पाऊंगा. ठीक है, तो बाकी शायद आपको पढ़ाया गया था बिटवीन वन एफ एंड द एंगल बिटवीन वन एफ एंड टू एफ इज टू फोर्सेस. हाँ बेटा, इसको भी देखो इसी तरीके जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा वैसे ही सॉल्व करना आ जाएगा आपका आंसर ये जो सवाल आपने पूछा है. बट जिन जिन लोगों ने वेक्टर नहीं किया है ना, चलो मैं इसके बारे में कुछ करता हूँ, बताता हूँ आपको, कुछ एक एक्स्ट्रा क्लास लगवा देता हूँ. वेक्टर और मैथमेटिकल टूल्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. दोनों के बारे में अगर आपको आइडिया है तो आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं आनी है, क्योंकि उसके बाद केवल कंसेप्ट समझना होता है बस. ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं पढ़ाया है तो अभी मैंने छोटा सा आपको एक रिव्यू दिया कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, इन सब चीजों का मतलब भी समझाएंगे जब हम इसको डिटेल में पढ़ाएंगे. तो वैसे डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ये फॉर्मूला बनकर आता है बेटा, और ये चीजें हमें पता होनी चाहिए. आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, जे का के साथ 0 होगा, आई का के साथ 0 होगा. ठीक है ना, ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए. और वी विल एक्सप्लेन इट जब भी हम बात करते हैं आपका क्लास लगवाते हैं वेक्टर का. ठीक है, तो जिसने भी नहीं पढ़ा है मैं उसके बारे में बातचीत करके आपको बताता हूँ कि कैसे क्या होना है. ठीक है, अब देखो बेटा इसी कंसेप्ट का यूज करके मैं यहाँ पर ये काम करने वाला हूँ. मुझसे पूछा गया था कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड डी वेक्टर. लाइक जैसे आपने अभी पूछा बेटा प्रणव, आपने पूछा कि दो फोर्सेस हैं 2i 2j एंड 3j 4k न्यूटन एक्टिंग ऑन द पार्टिकल. तो आपसे पूछा गया था व्हाट इज द एंगल. तो सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है बेटा. ठीक है, हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, सबसे पहले अगर हमें आर और वी के बीच का एंगल निकालना है तो सबसे पहले मैं निकालूंगा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द आर वेक्टर. अब मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, ये हमने बताया था जब भी क्लास में था. जिन लोगों ने क्लास अटेंड नहीं किया उनके लिए मैं हम अलग से लिख दे रहा हूँ बेटा, बाकी बाद में डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा. कोई भी वेक्टर अगर आपको गिवन होता है ना तो उस वेक्टर के 3 कंपोनेंट होते हैं बेटा, हमेशा 3 कंपोनेंट होते हैं. सर प्रॉब्लम डिस्कशन, नो प्रॉब्लम. देखो ए वेक्टर अगर आप यहाँ पर कोई भी वेक्टर आपको गिवन है बेटा, आप इसको लिखोगे ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के है. 3 कंपोनेंट होते बेटा. क्या होता है ना, जैसे आपने कंपोनेंट्स निकालना सीखा होगा तो अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक फोर्स लगाया, जैसे सपोज दैट बिकॉज फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपने किसी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाया बेटा और वो फोर्स आपने कुछ एंगल पर लगाया, तो जब कुछ एंगल पर लगाओगे तो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट भी क्या होगा बेटा, कुछ एंगल पर होगा. ऑब्जेक्ट का मूवमेंट भी क्या होगा, कुछ एंगल पर होगा, है ना. तो उस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट अगर कुछ एंगल पर हो रहा है तो मतलब उसकी डिस्टेंस x के अलोंग भी बदल रही है, y के अलोंग भी बदल रही है, z के अलोंग भी बदल रही है, और उन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट आपको दिख रहा है. उन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट आपको दिख रहा है. जैसे हाउस फ्लाई जब उड़ती है ना, हाउस फ्लाई जब उड़ती है घर के अंदर तो क्या होता है बेटा, उसकी लेंथ मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी बदलती है, वर्टिकल डिस्टेंस भी बदलती है, ब्रेथ भी बदलती है. तो तीनों डायरेक्शन में एक साथ मूवमेंट होता है, उसको बोलते हैं 3-डायमेंशनल मोशन. ठीक है ना बेटा. तो ऐसे ही कोई भी वेक्टर होगा उस वेक्टर के 3 कंपोनेंट हो जाते हैं बेटा. x के अलोंग अलग होता है, y के अलोंग अलग होता है, z के अलोंग अलग होता है. ठीक है ना, ये x के अलोंग हुआ, ये y के अलोंग हुआ, ये z के अलोंग हुआ. i के बताता है x के अलोंग, j के बताता है y के अलोंग, k के बताता है z के अलोंग. अब इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, देन व्हाट यू विल डू, आपको सीधे सीधे ये फॉर्मूला यूज करना बेटा, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर अगर वो i j के फॉर्म में गिवन होता है बेटा. तो आई एम गोइंग टू यूज दैट कांसेप्ट हियर, और हम यहां पर लिखने वाले हैं अंडर रूट a cos ओमेगा t होल स्क्वायर प्लस a sin ओमेगा t होल स्क्वायर. अब इसको कर लेते हैं सॉल्व बेटा, क्या आएगा, आपको मिलेगा अंडर रूट a स्क्वायर, दोनों का कॉमन हो जाएगा और अंदर बचेगा sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस cos स्क्वायर ओमेगा t. और आप सब ने ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, 1 होता है. तो फाइनली आपको मिलेगा अंडर रूट ए स्क्वायर जो हो जाएगा कितना, ए. ठीक है प्रणव बेटा, आपको यही मेथड यूज मैग्नीट्यूड निकालना है f1 और f2 का. ठीक है, जैसे मैंने r वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, r वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया बेटा. अब और क्या चाहिए, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल गया, अब दूसरे का मैग्नीट्यूड निकालना है. दूसरे का मैग्नीट्यूड मतलब वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे. तो वेलोसिटी वेक्टर आप मुझे याद दिला देना है कितनी है इक्वेशन अगर मैं बोलूं तो. अब वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं यहां पर निकालूं बेटा, तो अगेन आई एम गोइंग टू यूज द सेम कांसेप्ट, अंडर रूट
अब एक्स कंपोनेंट क्या था, माइनस का ए ओमेगा साइन ओमेगा टी का बेटा, माइनस का ए ओमेगा साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, प्लस दूसरा जो कंपोनेंट था वाई के अराउंड वो था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी बेटा, इसका होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है, इसका भी होल स्क्वायर कर दिया। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर दोनों से कॉमन आ जाएगा बेटा, कॉमन ले लेते हैं, तो अंडर रूट ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को बाहर लिख लिया, अंदर बचा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। अब ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी क्या हो गया बेटा, वन हो गया। अगर ये वन हो गया तो क्या बचा, अंडर रूट ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर मतलब ए ओमेगा। तो देखो बेटा पोजिशन वेक्टर आ गया ए और वेलोसिटी वेक्टर आ गया कितना, मैग्नीट्यूड बेटा ए ओमेगा, ठीक है, ओके। सिमिलरली जो क्वेश्चन आपने पूछा बेटा उसमें आप एफ वन का मैग्नीट्यूड निकालोगे, एफ वन का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, एफ टू का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट थ्री स्क्वायर आपके क्वेश्चन के, ये दोनों मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया बेटा। यहां तक किसी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बेटा, नहीं, डन है। अब इसके बाद क्या करना होता है बेटा, ये डिनोमिनेटर तो हमने निकाल लिया, ए निकाल लिया बी निकाल लिया, अब बचा ए डॉट बी निकालना। अब ए डॉट बी निकालने का मतलब हमें यहाँ बेटा आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर, आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना। अब आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मतलब है कि मल्टीप्लाई हमें केवल आई को आई में करना, जे को जे में करना, क्योंकि बाकी मल्टीप्लीकेशन जीरो हो जाता है, आई का जे में करोगे तो जीरो हो जाए। तो करना क्या है, सिर्फ आई का आई में करना है, जे का जे में करना है, इतना ही करना है, नथिंग एल्स। एक सेकंड, ठीक है। तो बेटा क्या करेंगे यहां पर, जब हम यहां पर इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे ना, ए कॉस ओमेगा टी का और वेलोसिटी वाला मैंने रब कर दिया, लेकिन मुझे याद है ये वाला कंपोनेंट है बेटा आई कंपोनेंट ना, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ए कॉस ओमेगा टी, ये आएगा कितना, ए कॉस ओमेगा टी इंटू माइनस का ए ओमेगा साइन ओमेगा टी और आई के डॉट आई के, ये पहले टर्म का मल्टीप्लीकेशन हो गया बेटा आई के साथ। सर विल यू टीच डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आल्सो, बेटा देखो जो भी तुम्हारा छूटा हुआ है, जैसा भी छूटा हुआ है, अभी ये क्लास तो होगी रेगुलर, ये तो ऐसे कंटिन्यू चलेगी, जो छूटा हुआ जो बचा हुआ है वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा, एक्स्ट्रा टाइमिंग आपको बता दूंगा कैसे कब और कहां डिस्कस करना है, ठीक है ना। मोस्टली मंडे और संडे को मैं एक्स्ट्रा क्लास लगा करके आपको सारा मैथमेटिकल टूल्स और वेक्टर भी दोनों से पढ़ा दूंगा अगर रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, ओके। अभी आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो भी छूटा हुआ है, जैसा भी छूटा हुआ है, वो सब मैं आपको कवर करवा दूंगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, और इसको मैं एकदम माइक म्यूट होगी, ठीक है बेटा, ओके। तो इस तरह से आप अभी आप इसको समझते रहिए, बाकी जो भी छूटा है आई एम हियर मैं आपको करवाऊंगा, टेंशन मत लो उसकी, ठीक है, ओके। चलिए बेटा ये हमने कर लिया आई का आई के साथ मल्टीप्लिकेशन, अब इसके बाद अगला क्या होगा, प्लस लगाओगे, जे का जे के साथ करोगे, जे वाला कंपोनेंट क्या है, दिव्यांशी बेटा आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है क्या, आप बार बार आउट हो जा रहे हो। अगला होगा ए साइन ओमेगा टी और इसका डॉट प्रोडक्ट लिया हमने इसके साथ, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है बेटा, इनटू जे कैप डॉट जे कैप। बोलो ये जो डॉट प्रोडक्ट लिखा मैंने ये आपको समझ में आया, आई आई एक साथ कर दिया मल्टीप्लाई, जे और जे एक साथ, पोजीशन वेक्टर का आई वेलोसिटी वेक्टर का आई मल्टीप्लाई हो गया, पोजीशन वेक्टर का जे वेलोसिटी वेक्टर का जे वो भी मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, ठीक है। तो अभी आपको यहां पर क्या मिल गया, आपको ये मिल गया आई डॉट आई वन जे डॉट जे वन, इन दोनों की कहानी खत्म। क्या बचा बेटा यहां पर, ए स्क्वायर ओमेगा माइनस का बचा बेटा, ये माइनस में था ना, ठीक है, तो आप लिखोगे माइनस का ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ठीक है, प्लस यहां पर क्या बचा बेटा, ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। बोलो इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत, नो सर, गुड। तो अब क्या करेंगे बेटा, अब इसको मैं थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, इसको मैं हटाता हूं,
अब आपको मिल गया कि r डॉट v की वैल्यू कितनी आ गई, r डॉट v की वैल्यू आ गई बेटा तो जीरो आ गया है, ये प्लस का, ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो गया दोनों का, है ना, कितना आ गया बेटा जीरो, ये लो r डॉट v तो जीरो आ गया। अब अगर r डॉट v जीरो आ गया बेटा तो अब आप लिखोगे cos थीटा इज इक्वल टू r डॉट v अपॉन r वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू v वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये हुआ बेटा 0 अपॉन a into a ओमेगा व्हिच विल बी 0। अब cos थीटा 0 कब होता बेटा, जब थीटा 90 डिग्री हो। इसका मतलब आप किसी भी इंस्टेंट पर निकालोगे, किसी भी इंस्टेंट पर आप पता लगाओगे तो जो पोजीशन वेक्टर है और वेलोसिटी वेक्टर है उनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। बोलो बात समझ में आई, बोलो बेटा बात समझ में आई? यस यस सर। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, कोई भी दिक्कत हो तो बोल देना। तो दिस वाज द सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया, सेकंड पार्ट हमने आपको करके दिखा दिया। अब बेटा थर्ड पार्ट जो था उसमें पूछा गया था स्पीड, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल गिव द इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, जब आपसे बात होगी ना, ये इंपॉर्टेंट कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, so this will not be always true, ठीक है ना? मतलब अगर आपने average velocity निकाला और आपने बोला कि इसी का magnitude ले लेते हैं तो average speed आ जाएगा, तो ये बात गलत है बेटा, ठीक है ना? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, average velocity zero होती है, average speed zero होता ही नहीं। सर्कुलर मोशन में देखो, सर्कुलर मोशन में एवरेज स्पीड जीरो नहीं होता है, लेकिन एवरेज वेलासिटी जीरो हो जाती है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि जो एवरेज स्पीड है वो एवरेज वेलासिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है तो नॉट ऑलवेज, ठीक है ना, हमेशा नहीं होता। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देन इट विल ऑलवेज बी ट्रू, ठीक है ना? इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ऑलवेज ट्रू। एवरेज स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, नॉट ऑलवेज ट्रू। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है बेटा, इसको नोट कर लिया करो अपनी कॉपी में, ठीक है? तो यहाँ पर क्योंकि हम इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे थे बेटा, तो इसका हमने डिफरेंशिएशन करके निकाला, इसका मैग्नीट्यूड निकाला, ये हमें मिल गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक्सक्यूज मी सर। हां बेटा सर, फिर से रिपीट कर दोगे जो आपने बोला? सर थोड़ा कनेक्शन ठीक नहीं है। हां बेटा, मैंने ये बोला कि जो एवरेज स्पीड है ना वो एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। मैं उसको लिखता भी हूं, ठीक है, मैं लिख के दिखाता हूं। अगर मैंने बोला कि जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, और आपने इसका निकाला बेटा मैग्नीट्यूड, ऐसे लाइन खींच दोगे तो हो गया मैग्नीट्यूड, इट मे और मे नॉट बी इक्वल टू एवरेज स्पीड, ठीक है बेटा? मतलब एवरेज स्पीड का जो मैग्नीट्यूड, एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो एवरेज स्पीड के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना? लेकिन दूसरा जो बात हमने बताया, क्या दूसरी जो पॉइंट बताया हमने, वो ये बताया कि अगर आप यही सेम चीज इंस्टेंटेनियस के लिए करते हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आप निकालते हो तो ये हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल आता है, ये हमेशा यही पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है? आई बात समझ में सर? हाँ सर, क्वेश्चन में सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का? नहीं, वेलोसिटी के बारे में तो नहीं पूछा था, स्पीड पूछा था, स्पीड एट एनी टाइम। यस सर। हाँ, तो स्पीड पूछा था, हमने स्पीड निकाल दिया बेटा उसमें। जब हमने स्पीड निकाला तो हमें मिला ए ओमेगा, इसमें कहीं टाइम आ ही नहीं रहा है, तो किसी भी टाइम पे निकालोगे ये दिया है, है ना, कांस्टेंट है, ठीक है बेटा? बोलो समझ आ गया इक्वेशन? देखो मेरे पास ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, थोड़े से लेंथी जरूर होते हैं, लेकिन उसमें आपके कई सारे कंसेप्ट मिक्स होते हैं जिससे आपका पूरा रिवाइज होता रहता है, और ये बहुत ही जरूरी है इनिशियल स्टेट के लिए, जिससे आप जितना पढ़े हो वो सब आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाए, क्योंकि हर चैप्टर में आपको ये सब यूज करना है। तो आई होप दैट कि अभी जो क्वेश्चन मैंने बताया वो आप सबको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई उसमें, क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की बात अगर यहाँ पर हो रही है, इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है, तो एक और छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। अच्छा, उस क्वेश्चन को लेने से पहले, क्या मैंने एक्सेलरेशन डिफाइन किया था पिछली क्लास में? डिफाइन किया था?
मैंने एक्सेलरेशन के बारे में बताया था, इट वॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है बेटा, ये होता है। अब यहाँ एक्सेलरेशन में भी दो चीजें आती है बेटा, दो चीजें क्या आती है, एक बात होती है एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है ना। एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, ध्यान देना क्या लिख रहा हूँ, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी मीन्स वेक्टर की बात हो रही, स्पीड की बात नहीं हो रही। मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, स्पीड पर जो होता है बेटा कभी भी श्योरिटी नहीं होती है, क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, ठीक है बेटा, ये एवरेज एक्सेलरेशन की बात हो रही है। मतलब इसको ऐसे लिखा जाएगा डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, और इसको आप ऐसे भी लिखोगे वी टू वेक्टर माइनस वी वन वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, मतलब टी टू माइनस टी वन, ये एवरेज एक्सेलरेशन होता है बेटा। और इंस्टेंटेनियस की बात जब होगी ना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, देन अगेन क्या बोलोगे आप, ये डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो गया, ये जो डिनोमिनेटर वाला टाइम डिफरेंस है बेटा ये जीरो को टेंड करने लगा, ठीक है ना, जीरो को टेंड करने लगा, तो आप इसको लिख दोगे डीवी वेक्टर अपॉन डी, ठीक है। तो ये एवरेज एक्सेलरेशन हुआ बेटा, और ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हुआ। ये एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ी सी बात, ठीक है, आप इसको नोट कर लो, और मैं अगला क्वेश्चन आपको लिख करके देता हूँ, और इसमें मैं कई सारी चीजें पूछने वाला हूँ, एक एक करके, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें पूछूंगा, सारी चीजें आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन में आ जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि एक पार्टिकल है बेटा, वो मूव कर रहा है, ठीक है, एक पार्टिकल है मूव कर रहा है, और उसकी इक्वेशन आपको दे रखी है एक्स इज इक्वल्स टू, इक्वेशन जो आपको दिया गया है एक्स इज इक्वल्स टू टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यू, एस मतलब एक पार्टिकल मूव कर रहा है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है बेटा, मतलब ये एक्स जो हो गया वो क्या हो गया, उसका डिस्टेंस हो गया बेटा, ठीक है ना, मतलब पोजिशन बोल सकते हो, ठीक, एक्स विल बी इन मीटर, टी विल बी इन सेकेंड। सबसे पहले आपसे यहां पर पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, पहला क्वेश्चन, एक एक करके पूछूंगा और एक एक करके आप मुझे जवाब देंगे, और एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, व्हाट इज मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। जिन लोगों के लिए ये सब कुछ बिल्कुल नया नया है, जिन्होंने अभी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं है, डोंट वरी बेटा, जब भी करवाऊंगा, ठीक है, जो कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी करवाने की, जब भी करवाऊंगा सारी चीजें एकदम अच्छे से पूरी लेट कर पाएंगे। और जिन लोगों ने पढ़ा है, जैसे आस्था ने साथ पढ़ा है, तो आप बताओ बेटा कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल मूव कर रहा है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और आपको बताना है कि मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है। शिवांश कुछ बोल रहे थे क्या सर, मैक्सिमा, हाँ बेटा सर मैक्सिमा का केस है, हाँ बिल्कुल मैक्सिमा का केस है, तो जस्ट एक बार रिवाइज कर लो, मैंने वही तो बोला कि जो अभी हम आज का जो टॉपिक है वो हमने मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से करवाया था, जो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे, तो एक बार रिवाइज हो जाएगा आपको, मैक्सिमा का केस है तो क्या होगा, सॉल्व करके बताओ बेटा, तब तक जिन लोगों ने पढ़ा है वो सॉल्व करें, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है बेटा वो जरा यहाँ पर ध्यान दें। जैसे मान लो आपको कोई एक इक्वेशन गिवन है ना, वाई इज इक्वल्स टू समथिंग, कोई एक इक्वेशन गिवन है, उस इक्वेशन को हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं बेटा एफ ऑफ एक्स। जैसे यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये जो चीज मैंने लिखा ना, इसको मैं लिख सकता हूँ मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, ये जो एक्स है वो टी का फंक्शन है। ऐसे यहाँ पर आपको मान लो दो वेरिएबल है वाई और एक्स, तो आप वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो बेटा। अब अगर आपको कभी ऐसा पूछा जाए कि इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताओ, मैक्सिमा या मिनिमा आप बताओ, तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है बेटा, आपको निकालना पड़ता है, पहला स्टेप करना पड़ता है डी वाई बाई डी एक्स, और इसको करना पड़ता है बेटा जीरो, मतलब जो भी इक्वेशन आपको गिवन है ना उसको आपको डिफरेंशिएट कर देना है, डिफरेंशिएट करके जीरो के इक्वल कर देना है, और यहां से आपको एक्स की वैल्यूज मिल जाएंगे, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है, ये निकाल लिया बेटा। अगला स्टेप होता है डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालना। अब ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस ये जो आपने dy by dx निकाला था इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर, d2y by dx लिखने का मतलब है इसको दो बार डिफरेंशिएट कर, ठीक है ना, तो आपने इसको दो बार डिफरेंशिएट किया बेटा। और अब इसके बाद आप यहां पर निकालोगे, मान लो x की वैल्यू आपको मिली x1 x2 and x3, ऐसे कुछ आपने सॉल्व किया, आपको तीन वैल्यू मिली, तो आपने d2y by dx निकाला एट x = x1, और ये आपको मिला इफ पॉजिटिव,
then at x2 there will be minima. There will be minima. ठीक है बेटा, ये पहली कंडीशन होती है. और दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर dqy by dx2, मान लो हमने निकाला at x = x2 और ये हमें मिल गया negative. If negative, then at x = x2 there will be maxima. ठीक है बेटा, ये दो पॉइंट्स हैं. अभी आप इस तरफ जस्ट एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के मैंने लिख दिया, इन डिटेल वी विल डिस्कस इन द मैथमेटिक्स लेक्चर. तो dy by dx को पहले जीरो करके x की वैल्यू निकालते हैं, फिर डबल डिफरेंशिएशन करते हैं और उन वैल्यूज पर उसको चेक करते हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. पॉजिटिव है तो मिनिमा है, नेगेटिव है तो मैक्सिमा है. ठीक है बेटा, इसका आंसर आया किसी का? आया? शिवांश, आस्था और कौन कौन था मेरी क्लास में पहले जब मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाया था, तो आप लोगों से आंसर एक्सपेक्ट कर सकता हूं मैं, थोड़ा जल्दी करिए. एंड बेटा मैं 2-3 दिन में काइनेमेटिक्स खत्म नहीं करूंगा, मैं काइनेमेटिक्स को लगभग लगभग 6 से 7 लेक्चर में खत्म करूंगा. बहुत ही आराम से पढ़ाऊंगा हर एक कॉन्सेप्ट को लेते हुए, जिससे कोई क्वेश्चन आपका छूटे नहीं. और शिवान शास्त्र, तुम लोग मेरी आवाज नहीं सुन रहे हो क्या? कोई जवाब नहीं दे रहे हो सर? 1.19 सर, 32/27. यस दैट इज करेक्ट आंसर, 32/27. देखो बेटा कैसे किया होगा इन लोगों ने, कैसे किया होगा, हमने आपसे पूछा मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट बताइए. अब मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की बात अगर हम यहाँ पर करें तो हम यहाँ पर लिखेंगे dx अपॉन dt, क्योंकि यहाँ पर x जो है वो t का फंक्शन है, तो dx अपॉन dt करेंगे. ठीक है, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना बेटा. अभी आप जब इसको पढ़ लोगे दोबारा ना, तो बिल्कुल आप इसके पंडित हो जाओगे, फटाफट करने लगोगे. ठीक है, आप इसको करो एक बार डिफ्रेंशिएट. आपने इसको किया डिफ्रेंशिएट तो 2t² का डिफ्रेंशिएशन आएगा 4t. अब जिन्होंने नहीं पढ़ा है डिफ्रेंशिएशन, जिनके लिए बिल्कुल नया नया है, वो इतना समझ ले कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस 1. मैंने इसको कैसे किया, मैंने 2 कांस्टेंट था ऐसे कहने दिया, t स्क्वायर को लिखा 2 × t^2 − 1, फिर माइनस का माइनस लगाया, ये t क्यूब था, इसको लिखेंगे 3 × t^3 − 1. तो ये हो गया बेटा 4t − 3t². ये आ गया हमारा dx/dt. अब हमारा स्टेप क्या था बेटा, dx/dt को करना है 0, मतलब 4t − 3t² इसको करना है बेटा 0. t कॉमन ले लिया तो 4 − 3t = 0. अब एक टाइम आपको मिला बेटा 0, दूसरा टाइम आपको मिला 4/3, दो वैल्यू मिल गई. एक मिला आपको t = 0, एक मिला आपको t = 4/3. बोलो ये स्टेप समझ में आ गया? यस सर. अब क्या करना है, डोंट वरी, केवल आज की क्लास में मैथमेटिक्स में यूज करूंगा, आगे वाली क्लासेस में इतनी मैथमेटिक्स यूज नहीं होगी, क्योंकि हमारा टॉपिक ही ऐसा इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है. ठीक है, अगली क्लास में मोशन इन वन डायमेंशन में स्टार्ट करेंगे, उसमें इतना ज्यादा यूज नहीं करेंगे जब तक आपको पढ़ा नहीं देंगे. तो ये हो गया. अब इसके बाद अगला स्टेप था d2x/dt निकालना. तो इसका मतलब ये जो आपका dx/dt आया है, ये वाली जो वैल्यू आई है बेटा, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना. एक बार ये डिफ्रेंशिएट करके आ चुका है, अब इसी को एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है. तो इसको एक बार और करोगे तो t का डिफरेंशिएशन 1 होता है बेटा, मतलब x का डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होता है. ठीक है, तो इसको आप लिखोगे कितना, 4, और इसको आप लिखोगे −6t. ये d2x/dt² आ गया. ठीक है, अब इसकी वैल्यूज निकालो. d2x/dt² आप इसकी वैल्यू निकालो एट t = 0, क्योंकि आपने दो वैल्यू निकाली ना टाइम की, एक 0 एक 4/3. d2x/dt at t = 0 कितना आएगा बेटा, 4 − 6 × 0, that is 4. ये क्या आ रहा बेटा, पॉजिटिव आ रहा है. पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, that is at t = 0 the displacement is minimum. displacement क्या हुआ बेटा, minimum. बोलो समझ आई बात, बोलो बेटा समझ आई बात.
यस सर. तो d2x / dt निकाला at t = 0 पॉजिटिव आ गया, मतलब जब इनिशियली डिस्प्लेसमेंट क्या था बेटा, मिनिमम. अब उसके बाद at t is equals to 4/3 निकालते हैं, t is equals to 4/3, तो ये आपको मिलेगा 4 - 6 × 4/3, मतलब 4 - 8 that is -4, तो नेगेटिव आया बेटा. नेगेटिव का मतलब that is at t is equals to 4/3 x will be maximum. डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, मैक्सिमम. ठीक है, तो t equals to 0 पर d2y by dx मतलब डबल डिफरेंशिएशन जो था बेटा वो पॉजिटिव आया तो मिनिमम हो गया, 4 by 3 पर नेगेटिव आया तो मैक्सिमा हो गया. और आपसे क्या पूछा गया था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यही पूछा गया था आपसे, पूछा गया था मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. अभी आपको पता चला कि जब टाइम 4/3 सेकंड हो जाएगा तब वो मैक्सिमम होगा. जब टाइम कितना हो जाएगा, 4/3 सेकंड, तब वो मैक्सिमम होगा. तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, मैक्सिमम एक्स, तो आप एक्स में t की जगह क्या कर दोगे, 4/3, क्योंकि 4/3 सेकंड पे मैक्सिमम हो रहा है. 4/3 स्क्वायर माइनस 4/3 क्यूब, तो यहां से हम 16/9 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा बेटा 8/3 - 1, तो ये आ जाएगा 16 × 5 / 9 × 3, ये तो कुछ और आ रहा है यार, कुछ गड़बड़ है क्या. अच्छा हाँ, × 2 भी तो था, और ये 8/3, ये 4/3 बचेगा, और ये आ जाएगा कितना, 32/9 × 1/3, मतलब 32/27 meters, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आया. बोलो ये कहानी आप सबको समझ में आई क्या. यस सर. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल मूविंग अंडर एनी इक्वेशन. इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर वो मूव कर रहा है 2t³ - 2t²-t³ के अकॉर्डिंग, ठीक है. हां बेटा, समय सेकंड ये ऐसा t को 4/3 कैसे आया था, क्वाड्रेटिक से देखो बेटा, ये 4t - 3t² था, t कॉमन ले लिया, 4 - 3t हो गया. अब ये पूरा टर्म जीरो कब होगा, या तो ये टाइम जीरो हो जाए या फिर 4 - 3t जीरो हो जाए. तो एक टाइम इक्वल टू 0 आ गया, दूसरा 4 - 3t = 0 किया तो t इक्वल टू 4/3 आ आया. समझ समझ नहीं आया सर, जैसे हम लेगने से परे को सर, इक्वल टू के परे को सर 4/3 सेकंड लाने के लिए. आपको क्या नहीं समझ में आया कि 4/3 कैसे आया. यस सर, क्योंकि सर टी बिना से साथ सर. हाँ देखो क्या है, टी इंटू 4 - 3t = 0, ये एक इक्वेशन है. अगर इस लेफ्ट हैंड को जीरो करना है तो क्या सिचुएशन हो सकती है, आइदर टी इज इक्वल टू 0 और 4 - 3t = 0, तभी ये इक्वेशन सही होगी बेटा, तभी LHS RHS बराबर होगी. यस तो एक तो t equal to 0 आ गया, ठीक है. अब इसको सॉल्व कर दो, 4 इज बस क्या हो गया बेटा 3t, तो t कितना हो गया बेटा 4/3. जब टाइम को आप 4/3 रखोगे तब भी 0 है. यस सर, इसीलिए दो वैल्यू मिली हमें 0 और 4/3. बोलो समझ आया. यस सर. सो इस तरह से आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, और इसमें मैंने आपको दो बार डिफरेंशिएट करवा दिया, अब ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है. आगे के जो क्वेश्चन पूछूंगा मैं वो आप फटाफट बता सकते हो, ठीक है. तो मैं डिफरेंशिएशन जो किया है उसको नहीं हटा रहा हूँ, बाकी चीजों को हटा रहा हूँ. अब इसी में जैसे और क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, इसी क्वेश्चन में अभी तो मैंने केवल एक ही बात पूछी आपसे, इसी में आपसे पूछा जाए कि बताओ ये जो मोशन है पार्टिकल का, ये जो मोशन है पार्टिकल का वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो बेटा देखो, एक तो आपने dx by dt निकाला, मतलब आपने डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो ये क्या मिला बेटा, वेलोसिटी. मतलब ये जो वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी, ये जो इक्वेशन यहाँ पर लिखा है, ये क्या है बेटा, वेलोसिटी. पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2t² - t³. वेलोसिटी कितना आ गया, 4t - 3t², क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी मिलता है. और इस वेलोसिटी को आपने डिफरेंशिएट कर दिया यहाँ पर, तो ये जो इक्वेशन मिली बेटा, ये क्या मिली, एक्सेलरेशन मिला. तो आपके पास तीनों इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट भी है, वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताओ क्या ये मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है क्या, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब क्या होता है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या. तो जरा देखो एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या है, 4 - 6t, ये तो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग एक्सेलरेशन आएगा, इसका मतलब मोशन कैसा हुआ बेटा,
नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। समझ आई बात? बोलो बेटा समझ आया? यस सर। गुड। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट थ्री सेकेंड, फर्स्ट थ्री सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो अब डिस्टेंस की इक्वेशन आपके पास ये, फर्स्ट थ्री सेकेंड में कितना डिस्टेंस इसने कवर किया है अगर इसकी बात किया जाए, देन हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड इट आउट, कैसे निकालोगे बेटा? प्लीज रिपीट, विच वन बेटा, कौन सा रिपीट करना है? सेकेंड पार्ट जो एक्सेलरेशन है या नॉन यूनिफॉर्म? सर इसमें शायद से डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। हाँ लेकिन डिस्टेंस पूछ दिया मैंने। चलो अच्छा रुको बात बताता हूँ। बेटा देखो एक्सेलरेशन है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन एक्सेलरेशन की इक्वेशन में 4-60 आ, अगर मैं बोलूँ 0 सेकंड इनिशियल एक्सेलरेशन कितना है तो आपके टाइम को 0 रखा 4 आ गया। मैं बोलूँ 1 सेकंड बाद एक्सेलरेशन कितना है, आपने टी की जगह 1 रखा, -2 आ। मैं बोलूँ 2 सेकंड में बताओ, आप लिखोगे 4-12। तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग एक्सेलरेशन है बेटा, अलग अलग टाइम पर अलग अलग एक्सेलरेशन, मतलब नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट, मतलब जो एक्सेलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं। तो ये मोशन कैसा हुआ बेटा? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। ओके, तो अभी मैंने अगला जो पार्ट आपसे बोला कि फाइंड आउट द डिस्टेंस, चलो बेटा डिस्टेंस की बातें मैं आपसे अगली क्लास में करूंगा, आप डिस्प्लेसमेंट की बता दो। आप बताओ डिस्प्लेसमेंट एट 3 सेकंड कितना है? पहले ये सीख लो, डिस्टेंस के बारे में हम बात करेंगे, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं इसको, जरूरी चीज है। चलो बेटा डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ कि कितना है। मेरे पास कोई क्लास तो नहीं आपकी? नो सर, -9। मतलब 2-4 मिनट एक्स्ट्रा ले सकता हूँ ना आपसे सर? -9 मीटर, -3 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट निकाला आपने, 2 × 9 -3³ मतलब 27, 18 - 27 -9 आया बेटा। ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दिया था, पूछा डिस्प्लेसमेंट 3 सेकंड में कितना है, आपने टाइम भी लिखा 3 रख करके निकाल दिया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी। तो -9 इज द डिस्प्लेसमेंट एट 3 सेकंड। बोलो बेटा समझ आ गया? यस यस सर। आपने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया बेटा, तो आप बता दो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा 3 सेकंड में? एवरेज वेलोसिटी कितना होगा बेटा 3 सेकंड में? अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? नेट डिस्प्लेसमेंट -3। बिल्कुल बेटा, आपने नेट डिस्प्लेसमेंट निकाला जो आया माइनस का 9, -9 को 3 से डिवाइड कर दिया, -3 मिल गया। तो -3 मीटर पर सेकंड इज द एवरेज वेलोसिटी इन 3 सेकंड, ठीक है बेटा। और किसी टाइम का पूछेगा तो वो अलग आएगा। ओके, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t = 4 सेकंड, 4 सेकंड पर एक्सेलरेशन कितना है, यू कैन डू दैट, आप उसको भी कर सकते हैं। -20। यस, टाइम ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, आपने लिखा 4 - 6 × 4, 4 सेकंड पे पूछा था, सॉल्व किया, -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया बेटा, ठीक है। छोटी छोटी बातें, मतलब एक बार आपने ये सब डिफरेंशिएट कर लिया उसके बाद इसमें बहुत सारे क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन 2 सेकंड एंड 4 सेकंड, एक लास्ट क्वेश्चन आप बताओ एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन 2 सेकंड एंड 4 सेकंड। आस्था बेटा आपको नहीं आ रहा है क्या, या फिर आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा है? सर 3 to 4 सेकंड के बीच में? नहीं, 2 से 4 सेकंड बोला था, 2 से 4 सेकंड एवरेज एक्सेलरेशन बताना है 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में। तो बेटा क्या करना क्या है, सबसे पहले देखो होता क्या है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, यही होता ना बेटा, अभी बताया ना थोड़ी देर पहले। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस v1, ठीक है। अब v2 का मतलब क्या हो गया, 4 सेकंड पर वेलोसिटी क्या है, तो
निकालो 4 सेकंड पर वेलोसिटी क्या है बेटा, वेलोसिटी एट 4 सेकंड, तो ये आएगा 4 × 4 − 3 × 4 स्क्वायर, तो ये आएगा बेटा 16 − 48 दैट इज −30 मीटर पर सेकंड, −9 आएगा बेटा, कितना आएगा देखते हैं, निकालते हैं। मैंने 4 सेकंड पर पहले वेलोसिटी निकाली, अब 2 सेकंड पर वेलोसिटी निकालो बेटा कितना है, तो 4 × 2 − 3 × 4 −12 − 4 मीटर पर सेकंड आ गया। अब यहां पर रखो फाइनल वेलोसिटी, 4 सेकंड पर वेलोसिटी कितना है −32 लिख दिया, इनिशियल कितना है −4 तो −4 हो गया, टाइम कितना हो गया 4 − 2 ये कितना आ गया 28 −28/2 ये बेटा −14 मीटर पर स्क्वायर, ये है सबका। सर सर मतलब ये माइनस एक्स एक्सिस की तरफ होगी, हाँ माइनस एक्स एक्सिस, इसका जो डायरेक्शन होगा वो लेफ्ट डायरेक्शन होगा, यस सर ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते बेटा, मैंने एवरेज पूछा तो ये फॉर्मूला लगाया, और जब मैंने आपसे पूछा था 4 सेकंड पे एक्सेलरेशन बताओ तब आपने ये फॉर्मूला लगाया था, मतलब 4 सेकंड पे पूछा तो वो इंस्टेंटेनियस था, और 2 से 4 सेकंड मतलब एक इंटरवल में पूछा तो वो एवरेज था। ये डिफरेंस होता है एवरेज और इंस्टेंटेनियस का, चाहे वो वेलोसिटी हो चाहे वो स्पीड हो या फिर एक्सेलरेशन। तो आई होप दैट कि आपको ये चीजें समझ में आई, और कुछ लोगों को ये चीजें थोड़ा सा बाउंस बैक किया होगा बेटा, क्योंकि आपने मैथमेटिक्स पढ़ा नहीं है, बट डोंट वरी अगली क्लास से इतना ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं होगा, एंड दीज ऑल थिंग्स ये सब कुछ फिर से एक बार रिपीट होगा जब आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है ओके बेटा। तो चलिए फिर अब हम लोग अगली क्लास में बातें करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एंड आई होप दैट कि आप में से कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा, क्लास मिस करोगे बेटा तो दिक्कत होगी, ठीक है ना, एक भी क्लास मिस नहीं करना। थैंक यू सर, चलो बेटा ओके।